हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। सही समय मौजूदगी में जिला वाराणसी लालपुर, जैसे आप जानते हैं कोरोना वायरस के कहर को लेकर के झोपड़ी पट्टी में और सड़क पर रहने वाले जो है कि पूरी तरह से चपेट में आ गए। आज उनकी स्थिति भूखे सोने के कगार पे है। इसी को देखते हुए आज लालपुर जो कि चौकी इंचार्ज राहुल रंजन और कमिश्नर अधिकारी जो है कि ये दीपक अग्रवाल, दोनों ने जो है कि सहम कहकर के आगे आए और सहयोग से अपनी तरफ से उन्होंने जिस तरह से सहयोग करा, किसी को ब्रेड मक्खन तो किसी को खाने की पैकेट पहुंचाने की उपलब्धि करा रही है। हालांकि जब हमने उनसे बात किया तो उनका कहना है कि जब तक ले कोरोना वायरस का कहर रहेगा, लॉकडाउन रहेगा, हमसे जो होगा हम उन लोगों तक भूखे नहीं सोने देंगे और पहुंचाते ही रहेंगे। परेशान है, काम धंधा लोग बंद चल रहा है, इसमें क्या करें हम लोग। मजदूर आदमी है, दिन में बैठे रहते हैं, ऐसे बच्चे छोटे बड़े बच्चे हैं, खाने पीना परेशान है सब, हम लोग इतना परेशान है। अभी क्या मिला है आपको? अभी तो पाव रोटी मिला है, चटनी मिला, वही हम लोग को यही बहन जी मिला है। आगे के लिए क्या सोच है, कैसे? अभी कोई सोचना नहीं है, अभी इनके पास कोई भी काम करने का नहीं है, वजह ना खाना पीना कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो कम से कम हम लोग जो भी हम लोग पास ब्रेड या जो भी मतलब खाने वाले चीज है हम लोग पास है। भैया, जिस तरह कोरोना वायरस को लेकर के जो फैला हुआ था, आज आप लोगों ने किस तरह का सहायक कार्य किया है? कोरोना की वजह से आज देश में भयावह स्थिति उत्पन्न है। जो हैंड टू माउथ वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, वो आज भूखे पेट सोने के लिए विवश हैं। हमारे परम आदरणीय चौकी इंचार्ज महोदय लालपुर राहुल रंजन जी, परम आदरणीय चौकी इंचार्ज महोदय अजय प्रताप यादव जी, हम सभी लोग एकत्रित होकर के आप देख रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में सो रहे रह रहे गरीब असहाय लोगों के पास पहुँच करके उनको ब्रेड जैम लाई चना जो भी हो सक रहा है हम लोग उनको उपस्थित कराने का कार्य। यहाँ पे आज जैसे रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो लॉकडाउन उपरांत यहीं पे वो लोग फंस गए हैं, तो उनकी थोड़ा सा सुविधाएं उनको दे सकें उसमें स्टेशन से रेलवे के अधिकारियों से टाइप करके उनकी रहने की व्यवस्था यहीं पे कराई गई है और खाने की व्यवस्था एक वक्त का हम लोग श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जो अन्य क्षेत्र उसके माध्यम से करा रहे हैं और बाकी रेलवे की ओर से कराया जा रहा है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे भी यात्री हैं जो विभिन्न विभिन्न जगह पर या जो दैनिक वेतन भोगी हैं, जो रोज़ काम कमाते हैं खाते हैं, उनको भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही, तो उनको भी हम लोग खाने की व्यवस्था पका पकाया भोजन जो है विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, मंदिर के माध्यम से और शासन के माध्यम से भी हम लोग उनको करा रहे हैं, जिससे कि 21 दिन का पीरियड उनके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी ना हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग सब लोग मिलकर इस 21 दिन का पीरियड का लॉकडाउन को पीरियड को सफल बनाएंगे और कम से कम कठिनाई से इस अवधि में सारे लोगों को हम लोग जितनी ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं उनकी सुविधाएं हम लोग देने का प्रयास करेंगे। जो मेरे मित्र हैं दिव्य तिवारी, जो मित्र सेवा समाज से जो जुड़े हुए हैं, इनके सहयोगी द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी गरीब लोग हैं जो झोपड़ी में निवास कर रहे हैं उनके पास दो वक्त का खाना पहुँच जाए। हम लोगों के द्वारा ब्रेड और जैम वितरित किया गया ताकि जो लोग भूखे हैं जिनके पास 200 की इनकम नहीं है उनके पास दो वक्त का खाना पहुंचा जा सके ताकि वो भूखे ना मरें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।